की टक्कर है कोई टक्कर में। दूसरा गियर आ रही है भाई, भाई कवर कर रही है, कवर नहीं आ पाएगी, ट्रैक खत्म हो गया। पर दो सही में मत आना, अरे नहीं आना ना। नमस्कार जी, मैं शुभम सावन, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। तो यार आज एक ड्रैग रेस लाऊं मैं आप लोगों के लिए, और कौन सी गाड़ी हमारे फ्रेम में आज देख सकते हो, अपनी होंडा सिविक। तो इसकी ना कई दिनों बाद मैं ड्रैग रेस लाया हूँ, और मैं एक सेडान ही ढूंढ रहा था कि इसके आसपास की गाड़ी हो, सेडान हो, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी हो, जो इस गाड़ी को टक्कर दे पाए। तो आज जिस गाड़ी के साथ मैं ड्रैग रेस लाया ना, उसके साथ अपने एक्सयूवी की आपने ड्रैग रेस देखी थी, ये है स्कोडा की रैपिड 1.5 TSG डीजल। तो ये जो स्कोडा की रैपिड है ये निकालती भाई 109 BHP और 250 NM का टॉर्क। वहीं पे अपनी सिविक की बात करूँ ना, इसमें टॉर्क नहीं है, 172 NM का टॉर्क है उसमें, पर BHP की बात करूँ ना 130 BHP निकालती है गाड़ी। तो पावर वाइज कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, ये है 1500 CC डीजल। ये जो है ये IVTEC नेचुरली एस्पिरेटेड 1800 CC का इसमें आ जाता है पेट्रोल का इंजन। तो पावर वाइज देखो भाई इसमें ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट देखूं इसमें ज़्यादा है, लेकिन टॉर्क देखूं ना तो इसमें ज़्यादा है। वज़न की बात करूं ना कहीं मेरे को लग रहा है रैपिड में ज़्यादा होगा, क्योंकि ये गाड़ी है जर्मन, हालांकि ये भी जापानीज़ है। ये गाड़ी भी अपने टाइम पे भारी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी, बढ़िया गाड़ी थी। और देख लो भाई क्या कुछ फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, वेट का कहीं ना कहीं इसको हो सकता है एडवांटेज हो, पर इस गाड़ी में CNG लगी हुई है। ये गाड़ी 14 साल पुरानी है, ये महज 5 साल पुरानी गाड़ी होगी मुश्किल से। तो करते हैं ड्रैग रेस, पता लगाते हैं कौन सी गाड़ी कितनी आगे जानी चाहिए। कमेंट करके अभी ही बता दो कि कौन सी गाड़ी क्या लग रहा है आपको कि चली जाएगी आगे। मेरे को तो लग रहा है सिविक को जाना चाहिए, क्योंकि ये मैनुअल है, DSG का इस गाड़ी में लैग है, और मैनुअल का जो इसमें फ़ायदा है ना वो इसके व्हील स्पिन आप सारे जानते हो, कितने बुरे व्हील स्पिन मारती है गाड़ी। तो करते हैं ड्रैग रेस और चलो। क्या लग रहा है भाई? मेरे को जो लग रहा है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस हो सकती है ये, और मेरे हिसाब से इनिशियल में सिविक जाएगी, और उसके बाद जैसे ही इसका एक बार वो DSG का लैग खत्म हो जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगी, उसके बाद ये इसको शट पकड़ना शुरू कर देगी। और मेरे हिसाब से अपना 400-500 मीटर का जो है ये पूरा ट्रैक है, पर मैं फिर भी देखना चाहूँगा कि कौन सी जो है गाड़ी विनर रहती है। मेरे हिसाब से लॉन्ग उसमें तो यही जानी है, पर उसका भी जो है वो पेट्रोल है तो उसका वो जो बैंड है वो हो जाता है ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन है यहाँ पर। मैं वापस वही डालूंगा वो एक्टिंग वाले जो मीम डाली थी मैंने। बात है जी एक्टिंग की, बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से, बाकी जो रैपिड ओनर है उनसे पूछते हैं। हाँ जी, भाई वेट इसमें ज्यादा है मेरे को लग रहा है रैपिड में। हाँ अच्छा, उसमें CNG भी लग रही है, बोलना 70 किलो का फुल टैंक, इसमें भी वैसे टैंक फुल है वैसे डीजल भरा हुआ। बाकी मेरे को लग रहा है इनिशियल में तो वही जाएगी सीवी की, तो बाद देखेंगे। ओके ओके, तो शुरू करते हैं भाई पहले राउंड से। तो चलो तो भाई अपनी जो सिविक है इसमें आके बैठ चुके हैं, बेल्ट हम लगा चुके हैं, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। और उसमें जो है ना उसमें दो जने बैठे हुए हैं, अपनी में भी दो जने बैठे हुए हैं। एसी मैं ऑफ कर लेता हूँ, गाड़ी अपनी है मैनुअल, ठीक है, ट्रैक्शन इसमें कुछ आता है नहीं। तो लॉन्च जो है वो भाई फुल RPM पे लूंगा, और फुल नहीं 6 पे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ की टक्कर है कोई टक्कर में, भाई पहले राउंड की विनर रही अपनी होंडा सिविक। भाई आगे मजे। हाँ भाई आगे, कितने की स्पीड पे मतलब आ गई थी, आ गई थी भाई। हाँ बनता ही गया ये, उन्हीं की कवर करा शुरू में ठीक उठी, बल्कि DSG वाला जो था इसका वो इसने ज्यादा लिया नहीं, ज्यादा लैग लिया नहीं इसने, पर इसने व्हील स्पिन ज्यादा मार दिए, बनता गया वो कम नहीं हुआ। हाँ तो भाई पहले राउंड की जो विनर रही अपनी होंडा की सिविक रही, और भाई आप लोगों के सामने है सारी चीज़, बल्कि इसके जो व्हील स्पिन है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा ले ली है,
उस चक्कर में ये गाड़ी ने डिस्टेंस तो ज्यादा कवर नहीं करी, और इस चक्कर में जो इसका डीएसजी का लैग था उस चक्कर में ये गाड़ी आगे थोड़ी आ गई थी, पर बराबरी में ये गाड़ी नहीं आ पाई। दो जने थे उसमें, ठीक है, दो जने इसमें थे। इसमें जो है सीएनजी का सिलेंडर भी है अपनी होंडा की सिविक में। तो पहला राउंड भाई देख लिया आपने, अब शुरू करते हैं दूसरा राउंड। इसमें सब ऑफ था, एसी भी ऑफ था, ट्रैक्शन भी ऑफ था। ट्रैक्शन ऑफ कर लेना अब, और तो क्या बने। तो इसमें भाई अब की बार ट्रैक्शन ऑन था, अब इनका ट्रैक्शन ऑफ करवा लेता हूँ। हालांकि डीएसजी में ट्रैक्शन ऑन ऑफ का मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जो ट्रैक्शन वाली चीज है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ मैनुअल में ही कामयाब होती है। तो शुरू करते हैं सेकंड राउंड, और अब की बार ड्राइवर चेंज करेंगे। जो मतलब अलावत है वो अब ये चलाएगा रैपिड। अलावत पहले साइड में बैठा था, अब ड्राइवर जो है बदल रहे हैं। इसमें आप चलाओगे? ओके ब्रो, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा स्पोर्ट्स भी है उसमें, थर्ड स्पोर्ट्स में कर लेना। तो करते हैं भाई सेकंड राउंड और चलो। तो भाई बैठ गए अपनी सिविक में, ठीक है, सेम चीजें रहेंगी इसमें। एसी तो ऑफ है, ट्रैक्शन इसमें कुछ आता नहीं, वही सेम दो जने हम हैं इसमें। साथ में हमारे एक सीएनजी की किट है, उसमें जो है ड्राइवर अब अलावत हो चुका है, उसका जो ट्रैक्शन है अब ऑफ कर रहे हैं। तो अब करते हैं, अब जो लॉन्च है ना, तीन चार हजार आरपीएम पे लेना चाहूंगा मैं, 5 पे जाए जा रही है। तो भाई सेकंड राउंड में विजेता आप लोगों के सामने है, और उतर के सारी चीजें आपको समझाना चाहूंगा, गाड़ी में बैठ के मजे नहीं आते। भाई सेकंड राउंड की विजेता भी सिविक रही, बिल्कुल भाई, और कुछ फर्क मिला उसका एसी बंद करने से? एसी तो देख इसमें पहले ही बंद था, ट्रैक्शन अब की बार बंद करा, थोड़ा फर्क पड़ा। बाद में थोड़ी कवर कर रही थी पर नहीं आ पाई। अब जो है इसमें स्पोर्ट्स मोड लगा रहे तीसरे राउंड में, फिर हाँ स्पोर्ट्स वाला गियर जो है वो लगा देंगे। तो भाई देख लिया आपने, दूसरे राउंड की विजेता भी अपनी होंडा की सिविक रही। अब जो है इसमें स्पोर्ट्स वाला जो गियर आता है, जो गियर का मोड है, पीछे करके स्पोर्ट्स में ये गाड़ी अब लग जाएगी। उससे शिफ्टिंग में क्या कुछ फर्क लाती है देखते हैं भाई। 250 Nm का टॉर्क तो निकल के आता है टॉप एंड में, ये चीज मेरे को माननी पड़ेगी। ट्रैक अगर और लंबा हो तो ये गाड़ी पकड़ सकती है, पर जितना ड्रैग है उतना ट्रैक है। तो बैठ गए अपनी सिविक में, और कोई मोड नहीं, जैसे पहले राउंड में थी वैसे ही आखिरी राउंड में है। तो जो फाइनल राउंड है अब करते हैं शुरू। आरपीएम जितनी उठाएगी उठाएगी भाई, थोड़ा और पीछे स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि 1 2 आ जा। अबे सही में मत आना, अरे नहीं आना ना। दो पे उठाई थी ना, ठीक थी भाई। डीएसजी वाला लैग अब की बार भाई मैनुअल रैपिड तो चली जाएगी, मैनुअल रैपिड जाएगी। अरे भाई आ गए हैं वापस। अलावत कुछ कहना चाहता है हमें? हाँ जी, रेस की जो विनर है वो सिविक ही है। इस वाले जो राउंड हुआ था ना, इसमें एक सेकंड पहले मेरे से लॉन्च हो गई थी डीएसजी वाला, वो लैग खत्म करने के लिए एक सेकंड, मतलब वो 1 2 3 में हो जाता है भाई को। अब ये जो आपने एक सेकंड वाली चीज करी है ना, इवर्टस के साथ करना, ठीक है। दोनों गाड़ियां जो है दो पे उठा लेना। मतलब भाई ओवरऑल सिविक ही विनर है, सिविक ही विनर है। मतलब एक सेकंड पहले भी उठा ली थी, उसके बाद भी टक्कर चल रही थी बीच में, हाँ कुछ आगे यही थी, कुछ आगे यही थी। और बल्कि भाई तो एक सेकंड जो स्टार्टिंग है, एक सेकंड है ना भाई, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बेनिफिशियरी था वो। और बल्कि इसने जो है भाई व्हील स्पिन बड़े मारे, लॉन्च से हुई थी लॉन्च बहुत बुरी जो है व्हील स्पिन में। डिस्टेंस कवर कम कर पाती है ये, टायर ज्यादा कवर कर जाती है हमारे। या वेरी मच इट्स ओके। पर
ओवरऑल हाँ भाई सिविक 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 चलो 14-15 साल पुरानी गाड़ी है, सीएनजी लगी है इसमें, स्टॉक होती तो बाहों में होती, पर नई वाली वो होती ना ये सिविक, फिर तो नई वाली सिविक भाई सिविक है वो टुच्ची गंदी तो यही थी कुछ भाई आज की ड्रैग रेस, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी भाई, तीनों राउंड्स जो हैं उसमें सिविक ही विजेता हमारी रही है, और क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं सारे आप देख चुके हो, आगे की जो क्लिप है वो भी मैं डाल देता हूँ हर वीडियो में, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो, और धीरे धीरे इसकी थोड़ी बहुत रेसिस अब लाऊंगा, फिर एक सरप्राइज में और लाऊंगा, तो उसके लिए ट्यून रही है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, यहाँ तक पहुँच गए हो तो करो यार कमेंट भी करो सब्सक्राइब भी करो लाइक भी करो और मजे करो और प्यार दिखाते रहो, इंस्टा की आईडी में डालता हूँ स्नैप की उस अपना स्नैप इंस्टा की आईडी में डालता हूँ, ईमेल डालता हूँ, वहाँ पर जाके मैसेज करो टेक्स्ट करो मेल करो, जो भी भाई हमारे ड्रैग रेस के लिए इंटरेस्टेड है, जो भी भाई हमारे रिव्यूज़ के लिए इंटरेस्टेड है ओनरशिप के, और किसी के पास मैनुअल के अगर शेवरले क्रूज हो ना तो एक बार मैसेज जरूर कर देना तो यही थी कुछ आज की वीडियो, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।